हाय, वेलकम टू रे गार्ड अगेन। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग गाड़ी और दिखाने वाला हूँ जो रेडी हो रही है। बेसिकली MG हेक्टर कार है। वैसे गाड़ी 2-3 साल पुरानी हो चुकी है, बट उस गाड़ी में कुछ यूनिक चेंज अब हम लोग करेंगे गाड़ी के अंदर। और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, मैं कुछ गाड़ियों की बिफोर्स की और आफ्टर की पिट्स अभी आपको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ। और उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, एक्सक्लूसिव काम जैसे गाड़ी में होगा, कितना कम्फर्ट गाड़ी के अंदर आएगा, वो मैं गाड़ी में दिखाता हूँ आपको। आइए। वो बेसिकली MG हेक्टर वाइट गाड़ी है जो इधर खड़ी है। ये तो हम गाड़ी कर ही चुके हैं, गाड़ी को MG हेक्टर गाड़ी वाइट है। और इस वाइट गाड़ी के अंदर कुछ कुछ ग्लिम्स रेडी हो चुकी हैं। 2 दिन पहले हमने गाड़ी काम स्टार्ट कर दिया था वैसे, बट अभी कुछ कुछ ग्लिम्स इसकी रेडी हो चुकी हैं। और क्या वो अट्रैक्शन गाड़ी में दिखा रही है ना, तो वह गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ साथ में। आई है एक तो सीट्स है, जैसे अगर आप सीट्स की बात करते हैं, जो गाड़ी का ओरिजिनल टोन था, जैसे सीट्स का जो डिज़ाइन था, ये बेसिकली उसी डिज़ाइन पर ऊपर गाड़ी बन चुकी है। कलर टैन हो चुका है, पहले गाड़ी का कलर ब्लैक था इस सीट के अंदर था। अगर सीट की अगर मैं फिनिशिंग की बात करता हूँ या स्टिचिंग की बात करता हूँ, तो आप इसको कंपेयर करो तो आपको ज़्यादा लुक्स के मामले में आपको लगेगा कि ठीक है, बट थोड़ा सा कुशन उसमें एक्स्ट्रा कर दिया है इसके मुकाबले। उसके मुकाबले में थोड़ा बैठने में सीट बढ़िया हो गई है। अगर बैठते भी हैं गाड़ी के अंदर तो सीट थोड़ी बढ़िया हो चुकी है और फीलिंग अच्छी आती है, क्योंकि लेदर जैसा जो टैन कलर बेसिकली है, ये थोड़ा लेदर जैसे फील देता है साथ में भी। तो बैठो गाड़ी के अंदर आप, एक मज़ा आएगा। लेकिन अट्रैक्शन क्या है वो गाड़ी के अंदर हो रहा है वो दिखाता हूँ गाड़ी में आपको। आइए, तो अब गाड़ी के अंदर आ गए। गाड़ी के अंदर आप देखो गाड़ी का सीन, अगर पहले देखो गाड़ी आपने खुली हुई गाड़ी या जो काम पहले था गाड़ी का, उसको इसको लुक्स को देखो, तो एटलीस्ट ऐसे एक नज़ारा गाड़ी की फील भी मिलेगा कि लग्जरी कंपार्टमेंट में गाड़ी के अंदर बैठे हो आप। लुक्स की जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे फ्लोरिंग पहले नहीं थी गाड़ी के अंदर, ये फ्लोरिंग कर दी है। यहाँ कुछ एक डिफरेंट सीट्स अभी लगने वाली है जो अभी लगेंगे, आई थिंक आज या शाम को कल तक लग जाएंगी सीटें अभी। और एक थीम जो था मैंने आपको सीट से बाहर दिखाई थी, उस सीट्स की थीम बनेगी इस कलर के साथ में भी। तो लगने के बाद एक गेटअप जो होगा गाड़ी का वो अच्छा बन जाएगा। और अभी बहुत सारे एक्सक्लूसिव काम सीट्स में होने भी हैं। रूफ़ का जो काम है बेसिकली वेलवेट टच हो गया पूरा, पर अगर इसको फील करे बंदा कोई हाथ से भी, तो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट फीलिंग इसमें आ जाती है। प्लस क्या है, कलर टोनिंग हो जाती है, कलर टोनिंग जैसे मैचिंग हो जाता है पूरा। पर ये अगर मैं रूफ़ का एक काफ़ी हिस्सा गाड़ी का देखूँगा अभी, तो टैन का जो ओरिजिनल शेड होता है गाड़ी का वो ऐसे निकल के अच्छे से तरीके से आता है। और सीट्स अभी आगे भी लगेंगी, सीट पीछे भी लगेंगे साथ में। जो सीट पीछे लगेंगी वो एक्सक्लूसिव सीट्स हैं वहाँ पे, जो हमारी हम बनाते भी यहीं पे ही हैं और लगाते भी साथ में यहाँ पे गाड़ी के अंदर हम लोग हैं। जो गाड़ी हमने पूरी गाड़ी कंप्लीट कर दी अंदर से, और बिफोर की जो लुक्स थी मैंने गाड़ी के अंदर आपको दिखा दिया ऑलरेडी कि गाड़ी पहले कैसी थी और इसमें क्या क्या चेंजेस हमने गाड़ी के अंदर कर दिए हैं, स्टॉक वर्सेस न्यू एडिशन जो हमने गाड़ी के अंदर किए हैं, और किस तरह की लुक्स गाड़ी के अंदर दिखती हैं वो मैं आपको गाड़ी के अंदर ही दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर चलते हैं और जो पहला ग्लांस गाड़ी के अंदर दिखते आता है वो बेसिकली कलर टोन्स पे आता है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव कलर आजकल चल रहा है, ट्रेंड में भी है काफ़ी कलर। ये स्टॉक वर्सेस जो लुक्स थी बेसिकली, जो ये थीम थी ब्लैक कलर की जो शेड गाड़ी के अंदर थी, इसको हमने चेंज कर दिया है। डोर ट्रिम्स जैसे लगाते हैं गाड़ी पूरी लगाती हैं, SQH फिटिंग्स हैं गाड़ी की। ये सीट्स के बारे में आपको दिखाई दिया था कि आपको ये कस्टम सीट्स में और स्टॉक सीट्स में कैसी दिखती हैं, तो आपको मैं ऑलरेडी दिखाया है। स्टेयरिंग इसका बन गया पूरा, हैंड से स्टेयरिंग होता है प्रॉपर कैसे बनता है ये। और ये छोटे कंपोनेंट जो गाड़ी को एनहांस कर देते हैं, बट अट्रैक्शन गाड़ी के अंदर ही है। और अगर आप यहाँ से अगर रूफ का भी आइडिया लोगे या पिलर्स का भी आइडिया लोगे, तो देखो आप यहाँ पे साइड पिलर सारे रह चुके हैं, रूफ है गाड़ी के साथ में पूरी अपनी, वेलवेट रूफ पूरी बन चुकी है गाड़ी की अपनी। और लुक्स अगर देखें गाड़ी के, आई थिंक डे टाइम पे ना एक गाड़ी का नेचुरल जो फील आता है, क्योंकि नॉर्मल लाइट्स के अंदर क्या होता है कि आपको अट्रैक्शन दिखता है, बट जो नेचुरल डे लाइट्स में आपको कलर दिखते हैं गाड़ी के अंदर, वो आपको लाइव में देखने ज़्यादा मज़ा आते हैं। थीम अच्छी है, आप ऐसा गाड़ी को डेकोरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास है सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट पहले गाड़ी फीचर से बात करते हैं अंदर, फिर आपके द्वारा बाकी बात करेंगे। आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और ये हमारा एज यूजुअल रिक्लाइनर से हम गाड़ी के सीट्स के अंदर लगाते हैं। ये रिक्लाइनर सीट्स रेडी हैं और ये बेसिकली गाड़ी 4 सीटर है गाड़ी के अंदर MG हेक्टर। एंड ये अगर आप देखें गाड़ी के लुक्स को, फिनिश को देखें, तो सीटें काफ़ी कंफर्टेबल बन गई है गाड़ी की। और इनका जो यूज़ है बेसिकली, वो यूज़ तो करने का ही मज़ा आता है जब ट्रैवलिंग आप भी गाड़ी में करते हो, आप हाईवे ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको लंबे टूर से जब जाना होना पड़ता है, अदरवाइज़ भी आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आप अपनी जो बॉडी पोजिशंस होती हैं उसको आप ढंग से बैठ के यूज़ कर सकते हैं साथ में भी। तो इसमें लेग एक्सटेंशन भी हैं साथ में,
और इसमें जो हमारी जो सीट सोफा सीट है ये बैक पोस्ट रिक्लाइनर्स होते हैं, ये हमारे महाराजा स्टाइल्स के हेडरेस्ट हैं जिसे हम क्राउन हेडरेस्ट भी कहते हैं, और ये भी मोशंस करते हैं ताकि जब आप ड्राइविंग करें गाड़ी के अंदर तो ये कैसे काम करते हैं ये दिखा सकते हैं आपको। इस तरीके से पोजीशन आ जाते हैं जब आपका हेड रखा होता है यहाँ पे, तो हेड रखने के बाद ये चीज़ें अच्छी लगती हैं गाड़ी के अंदर साथ में। और इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं वो गाड़ी के अंदर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, तो ये गाड़ी के अंदर का जो पीछे का लुक्स है काफ़ी स्पेशियस एक तो लुक्स होता है गाड़ी के अंदर, और ये फीचर जो गाड़ी में ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं बटन्स के साथ में, ये इस तरीके से काम करते हैं। बॉडी मोशन आप देखो ध्यान से, लेग रेस्ट होता है ये, आप किसी भी एसयूवी गाड़ी के अंदर आप अटैच कर सकते हो साथ में। आपको अगर गाड़ी के को पैसेंजर सीट पे आपको ये लगवाना है हम आपको ये भी लगा के गाड़ी में दे सकते हैं साथ में अपना। ये बॉडी मोशन इसका एकदम फ्लैट हो गया, साथ में आपका जो लेग्स आपकी पूरी आ जाती है। पीछे वाली पोजीशन में आपको देखते हैं बैक करते हैं, आप पीछे बैक चली जाती है पूरी से जहाँ तक आप चाहें गाड़ी की सीट बना सकते हैं साथ में। तो बैठने में आई थिंक मोर रिलैक्सेबल ड्राइव हमेशा मिलेगी गाड़ी में आपको। सीट्स काफ़ी कुशन हैं, सोफा इसमें काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है, और फील तो गुड है ही गाड़ी के अंदर साथ साथ आता ही, तो आप बॉडी में रिलैक्स कर सकते हैं गाड़ी ड्राइव करते हैं, किसी मोशन गाड़ी बच सकते हैं साथ में अपना। तो ये है हमारा पूरी गाड़ी का एक कंप्लीट मेकओवर जो होता है, गाड़ी में हम चेंज भी किया है, प्लस है गाड़ी की लुक्स भी अच्छी कर में दे दी साथ में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आप अपनी गाड़ी चाहते हैं कुछ अनाउंस करने के लिए, तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस जो हमारी लोकेशन है बेसिकली वो हमारी घिबरा मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के अंदर, और उसमें आप हमें कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, प्लस ऐसा हमें फॉलो भी करिए। आप फॉलो करने का मतलब ये होगा आप जितनी भी गाड़ी में जो जो डिफरेंट डिफरेंट काम आप देखते हैं जो हम लोग कर सकते हैं गाड़ी में करते हैं, और आपको अभी आने टाइम पे नज़र भी आएंगे तो उसमें आपको एक एहसास हो जाएगा। और यस, जब भी गाड़ी आप प्लान करेंगे गाड़ी लेने के बारे में या गाड़ी में क्या चेंजेस चाहते हैं तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो चीज़ है वो किसी के पास मिलेगी सर। कुछ आपको चलते हैं इसी बाय।